अभी टाइम आप अमृत मेरे कैमरामैन से कहूंगा अमृत को वो दिखाएंगे। 11:49 हो गया है और हमारा प्रोग्राम है कि धोध का जो हॉन्टेड पैलेस लोग बताते हैं उसमें हमारा डिनर करने का प्रोग्राम है रात को 12 बजे। तो अभी आप जो मेरे सामने लाइट से देख रहे हैं, आपको दिख रही होगी गाड़ी की लाइट से, ये धोध का हॉन्टेड जो गढ़ है उसके अंदर से जो मैंने हमने दिन में दिखाया था आपको उसके अंदर से हम गुजर रहे हैं। अभी गाड़ी का सीट बेल्ट मैंने नहीं लगाया और ये जो आपने बड़ा वाला आपको गेट दिखाया था उसके अंदर से हम गुजर रहे हैं। आप बनाइए आगे से वीडियो बनाइए इसका और देखते हैं। गाड़ी की लाइट हम चालू ही रखेंगे, काश हमारे साथ कोई अनहोनी हो सकती है किसी भी हालत में, तो हम वापस उसी टाइम गाड़ी की लाइटें चालू रहेंगी तो हमें थोड़ा आइडिया रहेगा। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं दीवानगढ़ में एक बार। और आप जो मेरे साथ अभी देख रहे हैं, अभी टाइम हो गया होगा, घड़ी है क्या किसी के पास भैया? हाँ, या मोबाइल में दिखाओ, एक बार मोबाइल में दिखा दीजिए आप, इसमें नहीं दूसरे में दिखाइए आप। ये अमृत दिखा रहा है हमारा, 11:50 हो गए हैं और अभी हम चल रहे हैं उसी जो दीवान घर जो हमने आपको दिखाया था, फ्लैश लाइट जलाना, जो दीवान घर हमने आपको दिखाया था उसको 11:50 पे हम शूट कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ मिरेकल होता है या नहीं होता। और अभी तो सच बताऊँ ये पीपल का पेड़ देख के मुझे कुछ डर लग रहा है कि क्या होगा या नहीं होगा, चलिए देखते हैं। और जो हमने आपको ये पाठशाला दिखाई थी, और पाठशाला बोले तो वो स्कूल दिखाई थी जो 60-70 साल पुराना स्कूल थी, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये इनका दीवान घर था, मैन दीवान घर था। मेरे सामने जो देख रहे हैं जो दीवान घर, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि जो दीवान घर है कैसा दिखता है। माइक ऑन का आवाज है क्या? आवाज आ रही है? मुझे लग रही है आवाज आ रही है। अभी इस समय अभी फट रही है हमारी, कोई फील नहीं लेना है। ये जो हमने दिन में आपको बुर्ज दिखाया था ये वो बुर्ज है, ये देखिए आप। लाइट बना देना ये साड़ी में, ज़्यादा लाइट। पड़ोसी कैसा लग रहा है आपको रात को यहाँ आगे? ये नया बना है ना, देखते हैं रात को 12 बजे। बिल्कुल सुनसान है वो गाय और ये मवेशी आज भी यही मरे हुए हैं, ये आपको दिख रहा होगा। ये मोबाइल की फ्लैश लाइट जितनी हो सकती है उतने हम कर रहे हैं। और अभी अपन चलते हैं, ये लो ये घोड़ों का अस्तबल है, देखिए पूरा। और उस कॉर्नर में आप ऊपर देख रहे हैं वहां पे उनका रहने का, ये हड्डियां अभी भी यहाँ पड़ी हैं, शायद पुरानी होंगी। अभी रात का टाइम हो गया है 6:12 और हमें यहाँ पे अभी तक कोई भी नेगेटिविटी फील नहीं हुई है। ये देखिए आप 11:56 हो गया है, हमें कोई भी नेगेटिविटी फील नहीं हुई है। इसलिए नहीं हुई है कि यहाँ पे नेगेटिविटी थी नहीं, नेगेटिविटी वहाँ की होती पर होती जहाँ पे अन्याय होता। और मैं आपको दिखाता हूँ
मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे वो घुड़सवारों के घोड़े के बांधने का स्थान था, ये देखिए आप, जो हमने दिन में दिखाया था आपको, रात में भी यही अगर वो ये इनका तबेला था। रात में हमारी मोबाइल की जितनी फ्लैश लाइट जा रही है आपको दिख रही होगी। क्या वो पर्वत जी खास कैसे रहे हो? बदबू चमगादड़ों की आ रही है और किसी की नहीं है, चमगादड़ है। और ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा है तो कुछ पशु मरे पड़े हैं। ये मैं अमृत से बोलूँगा कि अगर ऊपर दिख रही है पेंटिंग, आप सभी लोग मोबाइल की फ्लैश लाइट दिखाओ, ऊपर पेंटिंग दिख रही है, ऊपर वाली पेंटिंग अगर आपको दिख रही है तो दिखाइए आप एक बार, दिख रही है क्या इसमें? आगे चलिए अमृता। जिस टाइम पे अगर आप सोचिए पर्वत जी कि अगर यहाँ पे उस समय दूसरे किनारे की तरफ करते हैं, क्योंकि इधर अपन कल जब आए थे तो मधुमक्खियों का वास था। ये इधर आपको दिखा सकते हैं चमगादड़, देखो आप ये चमगादड़ देखो आप, रात को, रात को एक बार अमृत टाइम दिखाना, आप 12 बज गए, ऊपर का उधर से दूसरे वाले तरीके से चलेंगे अपन। चलिए करना चाहते हैं लोगों को, क्यों पर्वत जी? ये कहते हैं कि पुरानी हवेलियां और ऐसा कुछ नहीं है, देख रहे हैं ऐसा कुछ हमें नहीं लगता कि हमें ऐसा कुछ, हमें बिल्कुल ऐसा अनुभव हो रहा है कि यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव एनर्जी की कोई आशंका ही नहीं है। इसलिए कि जहाँ पे अन्याय होता था वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी होती थी, लेकिन हमें बिल्कुल भी, हम ऐसी बहुत से अंतर से लोग मिले हैं, आपको भानगढ़ भी दिखाएंगे। ये पीपल का पेड़ आप देख नजर आ रहा होगा कि रात को
देखी देखी इधर यहाँ पर चमगादड़ बहुत सारे Oh yeah.
सर पे लगा बड़ी तेज कुछ अरे बड़ी तेज सर पे लगा